गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज का जो वीडियो है इसमें हम अपने पुराने लेसन को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो पुराना लेसन था वो था क्लास 8 सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, और इसमें हमने जो टॉपिक चुना था वो था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में मैंने आपको समझाया था कि ऐसे सोर्सेज हैं जिनका हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें हमने जो मेन पॉइंट पढ़े थे वो पढ़ा था फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स में हमने पढ़ा था पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल वगैरह वगैरह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हम फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज, बिल्कुल शॉर्टेज हो जाएगी। और जिस रफ्तार से हम इनकी कंजप्शन कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो दूसरा, इन सोर्सेस के से क्या होता है, वो सिर्फ फ्यूल से या कन्वर्शन सोर्सेज से क्या होता है कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है, जो इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करते हैं। अब हमें एक ऐसे सोर्सेज की जरूरत है जो कि अनलिमिटेड हो, और दूसरा जिसे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे ही सोर्सेज होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जो कि अनलिमिटेड होते हैं और इनका इन्वायरमेंट पर कोई असर नहीं होता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में हम जो बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल पावर एंड बायोगैस। तो ये है आज के बेसिक पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है सोलर एनर्जी। द सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सूरज कुदरत का एक नया तोहफा है इंसान के लिए, जो हमें गर्मी भी देता है और हमें रोशनी भी देता है। अब आपको पता है कि इस सूरज की गर्मी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हमें जो मेन चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं वो होता है सोलर पैनल। सोलर पैनल एक ऐसी प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे सोलर सेल लगे होते हैं। ये सोलर सेल क्या करते हैं, जब सूरज की गर्मी इन पर पड़ती है तो ये सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री दैट आर बैलेंस्ड विद एब्डेंट सनशाइन। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो सोलर एनर्जी है ये उन कंट्रियों में कामयाब है। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हम उन कंट्रीज़ में बना सकते हैं जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कहलाती हैं। ट्रॉपिकल कंट्रीज वो कंट्री होती है जहाँ पर धूप अच्छी पड़ती है। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल अब हम किन उपकरणों में कर सकते हैं, वो है सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर एंड ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए। अब यहाँ तक इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो एडवांटेज में इसके हैं, ये इनएग्जॉस्टिबल है, नॉन पोल्यूटिंग है। सोलर एनर्जी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, और दूसरा ये नॉन पोल्यूटिंग है, जो पोल्यूशन को आलूद नहीं करती है। अब इसके डिसएडवांटेज अगर हम देखेंगे तो ये एक्सपेंसिव है और डिफ्यूज्ड सोर्सेज है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है ये बहुत ही महंगी है, और दूसरा ये डिफ्यूज सोर्स इसलिए है क्योंकि ये ज़मीन के हर पार्ट में इसका इस्तेमाल, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता नहीं है। केवल उन्हीं जगहों पर इसका फ़ायदा होता है जहाँ पर अच्छी खासी धूप होती है। पॉइंट नंबर टू में हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मीन्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर। Since times immemorial, जो विंड है
जो तेज हवा है डियर स्टूडेंट, ये भी एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है, इनएग्जॉस्टिबल होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमने गांव हमने अक्सर देखा है कि जो किसान लोग हैं, जब उनकी फसल पक जाती है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, हस्क को ग्रीन में अलग करने के लिए बिंड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो बिंड मिल भी एक ऐसा ही तरीका है, इससे भी हम ऐसा ही फ़ायदा ले सकते हैं। बिंड मिल के जरिए हम जो ग्रेन है उसमें से हस्क को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और लिफ्टिंग वाटर में भी ये इस्तेमाल होती है। इन मॉडर्न टाइम बिंड मिल, अगर आज के दौर की बात करें तो बिंड मिल का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या होता है कि जो हाई बिंड हैं, हाई स्पीड बिंड हैं, ज़्यादा तेज़ हवाओं से हम क्या करते हैं, बिंड मिल को रोटेट करते हैं, बिंड मिल को चलाते हैं, जिससे जनरेटर कनेक्ट होता है। और जब ये तेज़ हवाएं चलती हैं और बिंड मिल को रोटेट करती हैं, तो उस जनरेटर से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड फार्म हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड माउंटेन पासेस। विंड फार्म क्लस्टर होते हैं, विंड फार्म हम उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारी क्या लगी होती हैं, विंड मिल्स लगी होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 विंड मिल्स उसमें होती हैं। तो ये ज़्यादातर उन एरियों में होती हैं जो कि कोस्टल एरियाज होते हैं या माउंटेन पासेस होते हैं, जहाँ से तेज़ हवाएं चलती, जहाँ पर बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं। विंड फार्म फाउंड इन, अब विंड फार्म सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, द यूके एंड द यूएसए। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है न्यूक्लियर पावर, परमाणु ताकत इसको बोलते हैं। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लाई ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर पावर हम किस एनर्जी से हासिल करते हैं, जो कि स्टोर होती है न्यूक्लाई ऑफ एटम, किसी एटम की न्यूक्लाई में वो स्टोर होती है, और वो एटम जो नेचुरली आकर होता है, जो कुदरत की तरफ से बनता है, ऐसा रेडियो एक्टिव एटम एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम एंड थोरियम है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और कुदरत की तरफ से बनाया गया है, उससे हम ये एनर्जी क्या करते हैं, हासिल करते हैं। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर। अब इनको बनाने का तरीका क्या है वो हम इस डायग्राम में पढ़ेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, हीट फ्रॉम फ्यूजन्स न्यूक्लियर रिएक्टर, ये एक भट्टी है जिसमें न्यूक्लियर रखा जाता है, इसमें न्यूक्लियर डाला जाता है, जैसे थोरियम एंड यूरेनियम, और इसके इर्द गिर्द जो है पानी है। जब इसमें क्या होता है, हीट, ये जो थोरियम एंड यूरेनियम हीट पैदा करता है, जब आपस में क्या करते हैं, जब मल्टीपल होते हैं, फटते हैं जब ये, तो इससे क्या होता है, पानी जो होता है गर्म हो जाता है। गर्म होने के साथ ही इस पानी से स्टीम प्रोड्यूस होती है, वो स्टीम जब प्रोड्यूस हो जाती है तो वो टरबाइन को क्या करती है, रन करती है। जब टरबाइन रन होता है तो ये जनरेटर से कनेक्ट होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर द यूएसए एंड यूरोप। जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर प्रोड्यूसर और न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस करते हैं वो पूरे कौन से हैं, यूएसए एंड यूरोप। इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड है लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। हिंदुस्तान में भी सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। वो एनर्जी जो हम अर्थ से लेते हैं उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर। ये तो हमें पता है कि ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है जितना हम गहराई में जाएंगे। सब टाइम दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। और कभी कभार ये हीट एनर्जी सरफेस पर आती है, किसकी शक्ल में, हॉट स्प्रिंग। स्प्रिंग्स होते हैं चश्मे, पानी के चश्मे, गर्म चश्मे,
दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। अब इस एनर्जी से भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर तैयार कर सकते हैं। इसका भी वही तरीका है जो मैंने आपको बताया है कि देखिए यहाँ पर भी हम डायग्राम दिखाएंगे। जियोथर्मल एनर्जी, जहाँ वेल लगे हुए हैं जहाँ से वाटर ऊपर जा रहा है, यहाँ से स्ट्रीम प्रोड्यूस हो रही है, इससे क्या हो रहा है जी, टर्बाइन रन हो रही है और जनरेटर जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो तरीका सब में वही होता है कि टर्बाइन को क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बिल्डिंग ऑफ सेवन ईयर्स। जियोथर्मल एनर्जी का हम सदियों से, सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, किसके लिए, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए एंड बाथिंग के लिए। द यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट। यूएसए में दुनिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा भी न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल एशिया में भी इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल एंड पूंगा वैली इन लद्दाख। लद्दाख में भी है और हिमाचल में भी है, हिंदुस्तान की अगर बात करेंगे। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी होती है पानी की धारा, जो तेज धारा समुद्र की। एनर्जी जनरेटर फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो टाइड से ली जाती है उसको टाइडल एनर्जी कहा जाता है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाई बिल्डिंग डैम एट नियर ओपनिंग ऑफ द सी। टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, हमें बिल्डिंग डैम बनाने पड़ते हैं नियर ओपनिंग ऑफ द सी। जो समुद्र है उसकी जो नियर ओपनिंग है उसकी, उस पर हमें डैम बनाने पड़ते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड्स द एनर्जी ऑफ द टाइड यूज टू टर्न द टर्बाइन। जहाँ पर भी क्या करना पड़ता है, जब हाई टाइड्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, जब उन डैम इसके जो हमने नहर ओपनिंग बनाई होती है, टाइड उनमें से जब निकलती है तो वो टर्बाइन को रन करती हैं और टर्बाइन के साथ जनरेटर कनेक्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मैंने वही पुराना तरीका बताया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका वही होता है कि टर्बाइन को रन करना पड़ता है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट, एनिमल मटीरियल, एनिमल डंग, किचन वेस्ट कन्वर्टेड इनटू गैस फ्यूल लाइक बायोगैस। ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, किचन का जो वेस्ट है, या एनिमल डंग है, गोबर शोबर है, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसी एक गैसेस फ्यूल में, उसको कहा जाता है बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डिजास्टर टू मीट बायोगैस, विच इज एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसको किसकी मदद से करते हैं, हम इसको डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को बैक्टीरिया की मदद से इन बायोगैस डिजास्टर। बायोगैस डिजास्टर जो बायोगैस टैंक है, इसमें हम इसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया की मदद से डीकम्पोज करते हैं। और विच इज एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ, और जो किन गैसों का मिक्सचर होता है, मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस इज एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। बायोगैस एक ऐसा ईंधन है, सबसे बढ़िया ईंधन है कुकिंग के लिए, पकाने के लिए और लाइटिंग के लिए। एंड इससे हम मैन्यूर भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सामने आऊँगा, तब तक